Hello everyone. Today I am going to explain you Unit 9 English Marigold for class 1 student Anandi's Rainbow. Anandi's Rainbow. Anandika Rainbow. So then let's student start the chapter. I hope you will enjoy this poem a lot.

ड्रीमिंग ऑफ रेनबो जब आनंदी सो रही थी तो वो क्या देख रही थी रेनबोज के सपने देख रही थी शी वॉकअप टू लुक आउट ऑफ अर विंडो उसने अपने विंडो से बाहर देखा जब वो जागी तो उसने अपने विंडो से बाहर देखा ऐसा वो क्या देख रही थी बेटा ड्रीम सपना देख रही थी दैट दियर वॉज अट रेनबो अक्रोस अ क्लियर ब्लू स्काई वहाँ क्या था एक बहुत बड़ा बहुत बड़ा होता है ना रेनबो बहुत बड़ा ब्राइट रेनबो देखा जो बहुत क्लियर एकदम साफ ब्लू स्काई से निकल के आ रहा था नीले आसमान से निकल के आ रहा था इस तरह का रेनबो उसने देखा आनंदी रन आउट टू द गार्डन विद मिली हर फेवरेट कैट आनंदी बहुत जल्दी से मिली के साथ दौड़ी और दौड़कर बाहर आई मिली हर फेवरेट कैट नेम वाज मिली आनंदी लव्ड टू ड्रॉ एंड पेंट जैसे ही वो बाहर आई आनंदी को ड्रॉ करना और पेंट करना बहुत अच्छा लगता था शी वॉज वेरी लविंग फॉर इट नाउ टूडे शी वॉन्टेड टू पेंट द फ्लावर्स ऑफ अर गार्डन विद द कलर्स ऑफ द रेनबो अब उसके माइंड में जैसी प्लानिंग थी जैसा उसने रेनबो देखा था तो उसने सोचा कि जो मेरे गार्डन के जो फ्लावर्स हैं वो रेनबो के कलर्स से मैं उनको पेंट करूंगी। तो उसने क्या सोचा टुडे शी वांटेड वो पेंट करना चाहती थी अपने गार्डन के फ्लावर्स को एज अ रेनबो कलर शी कलर्ड वन फ्लावर विद द वायलेट उसने एक फ्लावर तो वायलेट कलर का किया वायलेट मीन्स बेटा जो पर्पल होता है एंड अनदर विद द इंडिगो ऑफ रेनबो एंड इंडिगो कलर मीन्स ब्लूइश कलर वन विद फॉर द ब्लू मीन्स प्योर प्योर ब्लू कलर एंड लीव्स विद द ग्रीन और जो उसकी लीव्स की पत्तियाँ वो ग्रीन कलर की की। वन विद द ऑरेंज एंड रेड एक जो कलर किया फ्लावर दैट इज ऑरेंज अनादर फ्लावर इज रेड नाउ

और जो सन अपना रिफ्लेक्शन दे रहा था जो सन रेज आ रही थी वो येलो कलर की आ रही थी तो उनसे जो फ्लावर्स हैं वो बिल्कुल क्या लग रहे थे ब्राइट लग रहे थे एंड लो देअर वर ब्यूटिफुल फ्लावर्स ऑल ओवर द गार्डन और उसने क्या कहा उसने कहा लो गार्डन के सभी फ्लावर्स कितने सुंदर लग रहे थे द सन वॉज अप देयर सन उनके बिल्कुल ठीक ऊपर था ओके विद येलो ग्लोरी येलो ग्लोरी मीन्स उसकी जो संदेश थी वो बिल्कुल शाइनिंग ब्राइटली ऐसे चमक रहा था आफ्टर गिविंग कलर टू द फ्लावर्स एंड द सन एंड द रेनबो अब उसने कहा कि जब मैंने इनको कलर्स दे दिया है फ्लावर्स को भी सन को भी रेन अब ये क्या बन गया है बिल्कुल रेनबो की तरह बन गया है मेरा गार्डन बिकॉज द रेनबो हैज सेवन कलर्स एंड बेसिकली द फ्लावर्स ऑफ माई गार्डन ज सेवन कलर्स बेटा आनंदीजेन वो स्टोरी इज रिटन बाय अनुप्रे ओके नाउ लेस्ट फोकस सम न्यू वर्ड्स ब्राइट मीन्स जो बहुत शाइनिंग कलर होता है फेवरेट लविंग थिंगस इंडिगो इंडिगो मीन्स एज यू कैन सी इन द पिक्चर ब्लू कलर इनसाइड इनसाइड मीन्स इन द रूम और इन द कॉर्नर इट इज रेफर टू द इन आउटसाइड इट इज आउटर एरिया ओके रेनबो रेनबो मीन्स जब रेन होती है तो वहां एक बड़ा सा हमें एक बो दिखाई देता है बो मीन्स होता है एक धनुष की शेप का दैट इज कॉल्ड रेनबो ड्यूरिंग द रेन वॉयलेट मीन्स पर्पल कलर नाउ लेटार्ट सम मीनिंग वॉयलेट अशेट Of purple as you can see in the picture. Clear means clean. Bright giving out light. Very shining. Hues means large. That means very big. Rainbow. A colorful bow of seven color which appears in the sky after rain. जो रेन के बाद हमें सेवन कलर्स में बो दिखाई देता है दैट इज रेनबो विंडो एंड ओपनिंग इन द वॉल फॉर फ्लैश एयर दैट यू कैन सी इन योर हाउस विंडो ड्रीमिंग हैविंग विजन इन स्लीप ड्रीमिंग मीन्स हैविंग विजन फास्ट ए स्लीप मीन्स Deep sleep. Outside. Out area of the house. That is outside. Raining means little drops of falling rain. That is falling of rain. Now let's start some question answer and exercises based on NCIT. वॉट डिट आनंदी सी आउटसाइड हर विंडो आनंदी ने अपनी विंडो के बाहर क्या देखा आनंदी स्यूज ब्राइट रेनबो अक्रॉस अ क्लियर ब्लू स्काई आउटसाइड ऑफ अर विंडो उसने आनंदी ने विंडो के बाहर एक क्लियर ब्लू स्काई से निकलता हुआ बहुत बड़ा ब्राइट रेनबो देखा क्वेश्चन नंबर टू वॉज शी हैप्पी टू सी द रेनबो क्या वो खुश थी येस ऑफकोर्स एवरी वन एवरी वन शुड बी हैप्पी टू सी द रेनबो बिकॉज़ इट वॉज ब्यूटिफुल येस, शी वॉज हैप्पी टू सी द रेनबो नंबर थ्री वट आर द कलर्स ऑफ द रेनबो एवरी वन है नोज बेटा, रेनबो हैज सेवन कलर the color of the rainbows are violet indigo blue green yellow orange and red now let's start let's start talk let's talk question answer number one have you ever seen a rainbow kapni rainbow yes i had seen the rainbow in the rainy season because beta

Raindrops, house, cat, boat, mud, sun. Okay? These pictures we can see in the scene of rainy season. But roses, pot, and mat are not here. Fine? Your next exercise is join the dots from A, A to ZZ. Z. means कैपिटल ए स्मॉल ए टू जेड कैपिटल एंड स्मॉल जेड एंड सी वॉट यू कैन क्रिएट अगर हम ए से जेड तक जॉइन कर देंगे ट्रेसिंग कर देंगे तो दैट अब द बटरफ्लाई वुड बी क्रिएटेड बन गई ना एक बटरफ्लाई ब्यूटिफुल बटरफ्लाई नाउ नेक्स्ट इज इन दिवंस स्पेस Trace the rainbow and color it. Inside, beta, we have given the rainbow color, and you have to just trace the line and color all the rainbows color in the picture. So then inside you can see I have given to you rainbow color. Just select it and color it, and your beautiful rainbow will be drawn. Next, use of M or have in the blanks. I dash white in color. M is always stand with I, but have is always stand for the personal things. Like, I am white in color. Okay? I have two eyes. I have Four legs and one short tail. I have wool on me because you can see a sheep picture is here. Okay. Now, what am I? Who am I? That answer will be I am a sheep. Now, you can recognize the picture after. Tracing is on it. Now I hope you will understand well and enjoy this story a lot. Anandi Rainbow. Now Vita, goodbye. Take care.